नहीं या मुझे को फिट रखना है या होने की ये प्रेशर है no pressure, me, myself, like out, na, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वेन वी आर वर्किंग लाइक टेन टू टेन तो वो एक बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप इतना सारा काम करें mm -hmm. और उसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है mm -hmm. सो so, आपको अपनी फिटनेस का अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए आई थिंक वर्कआउट करना hmm. जरूरी है जितना भी आप कर सकते हैं नॉट जस्ट कि आप हर वक्त वेट ट्रेनिंग करें जो भी hmm. थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें या जो भी है बट आई थिंक हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए वर्कआउट hmm. करना है इसको लेकिन हमारे यहाँ अब तो जो यू नो यंगर लड़कियाँ हैं लाइक ट्वेंटीज़ में हैं या टीन एजर्स हैं उनमें ही अवेयरनेस आ रही है लेकिन पहले कहाँ हम लोग को आदत होती थी या मुझे तो कभी भी आदत ही थी एक्सरसाइज करने की लेकिन नाओ एक्सरसाइज ज टू बी अ पार्ट ऑफ यूर डेली लाइफ राइट यू नो तो आप भी किसी पॉइंट पर ये स्टार्ट करो कितना मुश्किल था उस वक्त मैं तो रोते धोते एक्सरसाइज करती हूँ सो वैन आई स्टार्ट ना आई आई वॉज आई थिंक डूइंग माई सेकेंड प्रोजेक्ट और तो मेरे स्टाइलिश ने मुझे कहा कि तुम वेट पुट ऑन करिए हो तो तुम थोड़ा सा जिम वगैरह स्टार्ट करो ऐसा एक कि नहीं मैं तो बहुत मुझे लगता था जिम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो बहुत स्लिम होते हैं अच्छा तो मेरा ये एक तो अलग तो साइड थी कि नहीं जो लोग पतले हैं वो पतला होने के लिए जिम थोड़ी करेंगे वो तो ऑलरेडी स्लिम है नहीं सो so, जिम बेसिकली आपके लिए लाइक आपकी बॉडी के लिए आपके आप मसल्स के लिए यू नो आपकी हेल्थ के लिए उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिम ज्वाइन कर लो और तुम्हारा वेट पुट ऑन हो रहा है तो मैंने कहा मैं खाना कम कर लूँगी लेकिन मुझे ऐस कोई वो नहीं हो रहा था कि मैं उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है फिर मैंने मैंने जब शूट से और सारी चीज़ों से गैप लिया तो आई वॉज़ लाइक कि चलो मैं जिम ट्राई करती हूँ क्या होता है क्या ही mm -hmm. हो जाएगा फर्स्ट डे चली गई तो फिर uh, मैंने ट्रेनर रखा उन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट करवाया नेक्स्ट डे मेरी बॉडी में पेन था बहुत mm -hmm. ज़्यादा मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूँगी mm -hmm. तो मैं भाग गई उसके बाद आफ्टर अ मंथ देन यू नो टाइम के साथ आप सीखते हो yeah. तो मैंने उसके uh, जितने सारे बेनिफिट्स थे और फिर मैंने लोगों को भी देखा एंड यू नो कि वर्कआउट से बेसिकली होता क्या है इट्स नॉट जस्ट कि आप तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो तो ये तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी में पेन हो हो होगा होगा बट अगर आप उसको करते रहो तो आई थिंक वो एक टाइम पे आके ठीक हो जाते हो और आज आजकल तो मुझे लगता है कि हर बंदे को पता है कि वर्कआउट यू नो स्ट्रेचिंग पिलाटेज ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है अच्छा मैं तो इंस्टाग्राम वो वीडियोज आ रही होती है ना बड़ी कूल सी इतना वेट किसी ने किया है जिम बोला

जब वैन यू लुक बैक एंड दैट वॉज रियली डिफिकल्ट एंड यू थॉट आई कॉन्ट डू इट एनी मोर आई कॉन्ट गो ऑन प्रोफेशनली भी हो सकता है पर्सनली भी हो सकता है अगर आप शेयर करना चाहें तो प्रोफेशनली पर्सनली तो आई डोंट नो बट प्रोफेशनली जब मैं अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रही थी तो hmm. डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आर जस्ट अ पिटी फेस जो मुझे नहीं लगता था एम प्रिटी आई स्टिल बट यू आर प्रटी माशा से थैंक यू मैडम तो उन्होंने खैर मुझे कहा यूर जस्ट अ प्रटी फेस और आप एक्टिंग नहीं कर सकते hmm. तो बिकॉज मेरा फर्स्ट था तो मुझे नहीं आती थी एक्टिंग करना hmm. और मैं सीख रही थी यू you नो know? कोई मैंने एक्टिंग क्लासेज नहीं लिए थे या जो भी hmm. था वो जिस लाइक कि चलो मैं करती रहूँगी तो मुझे आएगा ना और मेरा कोई लीड पर था नहीं जो भी मेरा एक एक्टर एक एक था तो मैं उस पर बड़ी मेहनत कर रही थी तो वो मुझे उस वक्त फिर एक दफ़ा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए मुझसे उस दिन घर आके मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो, होगा और मैं बस गिव अप कर रही हूँ सो दैट वाज द पॉइंट बट द अदर डे मेरी अच्छी बात यह है कि मैं अगले दिन जब सुबह उठी आई वाज ऑलरेडी अ लाइक नहीं मैं करूँगी और मैं और अच्छा करूँगी और मेहनत करूंगी कोई बात नहीं बिकॉज yeah, सब के सामने डांट खाना और ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं है बस आप अच्छी शक्ल की है इसलिए आप आपको आगे यू नो ये चांस मिल गया समथिंग इट अफेक्ट्स यू यू एंड क्वेश्चन तो फिर पूरी रात में ऐसा क्या थाट प्रोसेस चलता है जिससे आप सुबह हिम्मत कर लेते हैं आई थिंक um, जब भी हम गिरते हैं तो हमें संभालने के लिए किसी और से ज़्यादा हमें अपनी जरूरत पड़ती है यू mm. नो you know, जब इंसान खुद को खुद संभालना सीख yeah. जाता है ना तो वो उसके बाद वो जितनी बार भी गिरे वो दोबारा उठता है तो वो मेरा फ़र्स्ट फर्स्ट लर्निंग टाइम था कि मैं सीख रही थी ये सारी बातें तो उन्होंने जब बोला तो मैं बहुत एक्चुअली बहुत अपसेट हो गई थी और घर आके बहुत रोई भी और मैंने कहा मैंने ये नहीं करना है और लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं बट यू नो फिर कहीं कही ना कहीं मुझे शौक भी था एंड यू नो आई वाज लाइक ही वाज राइट एक्चुअली मे बी आई एम नॉट डूइंग गुड और मैं उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पा रही हूँ और वो जो चाह रहे हैं मुझसे hmm. मैं वो उन्हें नहीं यू नो परफॉर्म करके दे पा रही हूँ तो मे बी वो इस वजह से कह रहे हैं बट नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छा करूँगी और आल मेक हिम हैप्पी एटलीस्ट माई डायरेक्टर कि चलो ठीक है इश इज़ डूइंग गुड सो so, वो मैंने फिर धीरे धीरे करके उसके बाद भी मुझे डांट पड़ती रही ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग गई और मैंने बहुत अच्छा कोई सीन नहीं <laughs> अगले दिन भी मुझे डांट पड़ी बट वो मैंने माइंड में बना लिया था कि इट्स तो ओके मैं सीख लूंगी सो बेसिकली यू आर सबरी जो एकदम से रिएक्ट करती है बट देन फिर काम डाउन होकर यू लॉजिकली दिस आउट इन योर माइंड एंड आई थिंक दिस वॉज सच अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू चोज के इन ऑफ थिंकिंग यार मैं सही हूँ ये सब गलत है यू चोज टू सीक है अच्छा मैं

तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आती थी ना mm. कैमरे के आगे भी नहीं खड़े होने आता था तो ऑब्वियसली उनको भी अपने प्रोजेक्ट की फिक्र थी उन्होंने कहा मैंने फिर उसको उसकी पॉजिटिव साइड देखी कि चलो यार मैं सीखती हूँ मैं और yeah. कोशिश करती हूँ हाउ ड्यू प्रिपेयर फॉर योर रोल कैसे रोल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है स्क्रिप्ट आ गया आपके पास हाँ yeah. हमें खोल लिया पढ़ लिया अब आपको पता ही ये लड़की है तो वट वट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू मुझे लगता है बेसिकली फर्स्ट जो होता है ना पहले तो राइटर ने जो लिख दिया होता है ना वो ही एक करेक्टर एक बना हुआ होता है बेसिकली राइटर अपने हिसाब से कैरेक्टर देखता है डायरेक्टर अपने हिसाब से देखता है एंड देन एक्टर वो अपने हिसाब से देखता है वो तीन चीज़ों को एक्टर को मर्ज करना होता है तो मैं तो जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं राइटर से कॉल पे बात करूँ अच्छा, कि वो हाँ यस एंड देन डायरेक्टर से मैं पूरी मीटिंग्स करती हूँ उनके साथ mm. बैठती हूँ सुनती हूँ कि बेसिकली वो क्या रहे मैं उन्हें नहीं बताती कि मैं क्या सोच रही हूँ yeah. पहले मेरा ये होता है कि आप क्या चाह रहे हैं आप yeah. इस कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं क्या टोन चाह रहे हैं या यू yeah. नो you know, आप चाह रहे हैं कि लड़की किस तरह जाएगी फिर उनसे जब आइडिया ले लेती हूँ उसके बाद फिर मैं अपना सोचती हूँ कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ सो आई टेक लाइक गुड डेज जिसमें मैं बैठती हूँ और अकेली बैठती हूँ और फिर मैं कैक्टर्स के बारे में सोचती हूँ एंड देन यू नो सेट पे जाके भी फिर यू डोंट डिस्कस विद फैमिली या फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्क uh, करके अच्छा ये लड़की ऐसी होता है नहीं बाल और कपड़ों का जब तक नहीं लेती कभी भी के, बाल क्या होंगे कपड़े क्या होंगे वो शबी नहीं बनती जब पड़ी होती है लड़की का कैरेक्टर की अच्छा ये ये असरा है तो असरा ऐसी होना चाहिए ओपिनियन देती हूँ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए बट देन मुझे um, लगता है जिसका जॉब जो है वो वही करे तो, तो मैं भेज देती हूँ वन लाइनर स्क्रिप्ट जो भी मेरे पास होता है टू माई स्टाइलिस्ट क्या आप पढ़ लो फिर मैं आपको रात में कॉल करूंगी एंड दैन विल डिस्कस तो फिर उसमें म्यूचुअली यू नो आप डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा ठीक है इसके बाल यूँ कर देंगे और यू नो ज्वेलरी यूँ कर देंगे और फिर जब आप वो पूरा उस कैरेक्टर में आ जाते हो ना उस हेयर और मेकअप और ड्रेस एंड यू नो और जो फैमिली आपके इर्द गिर्द वो जो कैरेक्टर्स होते हैं सो नेचुर आप वो कैरेक्टर बन जाते होते हैं तो उसके लिए आपको फिर मुझे लगता है बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि सब चीज़ें हो रही है फर्स्ट डे में, में, you know, में कि अच्छा ठीक है इस लड़की की टोन ये होगी इसमें इसके बाल बन सकते हैं या यहाँ पे इसे बहुत रोने की तो यस डायरेक्टर का भी इसमें बहुत हाथ होता है कैसे याद करती अच्छा देनी स्क्रिप्ट की मेरी एक ट्रिक है अभी तक की कि मैं बोल देती हूँ डायरेक्टर को भी और राइटर को भी कि मैं लाइंस आपका जो सेंटेंस uh, हो है वो हाँ. आप डिलीवर कर दूँगी बट इन माय ओन वर्ड्स मैं लाइन टू लाइन नहीं कर सकती तो ऐसा नहीं, रट्टा नहीं लगा सकती मैं रट्टा नहीं लगा सकती सो आई सेट डाउन एंड आई लाइक मे बी एक से दो दफ़ा मैं उसे पढ़ूंगी हाँ. और बड़े गौर से पढ़ूंगी लाइक like, पूरा सोच के के okay. ये बोल रही है तो ये क्यों बोल रही है तो वो मेरे फिर जहन में बैठ जाता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रही है उसके बाद फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में बोल देती